वेलकम टू वन एकेडमी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करके सीख कर जिंदगी को बिता रहे होंगे। सो प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं निखिल गोयल स्वागत करता हूं अपने अन अकेडमी चैनल पर। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए एसएससी और रेलवे के लिए फुल तैयार है। आप लोग अगर हमसे पेड सब्सक्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, या फिर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप हमसे ये पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कुछ आप लोगों के लिए चार्जेस दिखा रखे हैं कि इस तरह से चार्ज लगता है। अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को एक तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, ऑफ हो जाता है, प्लस आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस और मेरे टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं जेई को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये कोड ध्यान रखना है, दैट इज एनजी लाइफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम क्या करने वाले हैं, बड़ा बेहतरीन सेशन जो कि है आप लोगों का, दैट इज अबाउट द लाइम एंड सैंड एंड मोटा। आज के सेशन में मैं आप लोगों को लाइम एंड सैंड के बारे में पढ़ाने वाला हूं, और मैं इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूं कि जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों को 40% जो है ये सारा नया चीज मिलेगा। जितनी भी नई चीजें हैं आप लोगों की लाइन के अंदर जो कि आज से पहले शायद से आपने सुनी ना हो मेरे अलावा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया बताऊंगा और टारगेटेड कंटेंट दूंगा आप लोगों को। कि यही कहना चाहता हूं टारगेटेड कंटेंट से आप लोगों को कि जो भी पढ़ा रहा हूं ना मेरे प्यारे बंधुओं, ये चीज बस आप अपने दिमाग में रखना और इतना दिमाग में रखना कि इसी में से आपका पेपर में आएगा। उससे पहले एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो, आवाज में कुछ आप लोगों को मॉडिफिकेशन नजर आ रही है, कुछ सुधार नजर आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रहा है या अभी कोई मिस्टेक है, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग सभी को जो मेरे साथ यहां पर बने हैं, गुड इवनिंग सभी को, तन्मय महतो स्वागत, पुराने स्टूडेंट हमारे प्रियंका, मनोज वर्धन, देव मंत्र क्लासेस, अब्दुल, आशुतोष, गुरप्रीत, सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। एक बार जल्दी थम्स अप करके बता दो कि मेरी आवाज पहले से कुछ क्लियर हुई है, जो भी आप अभी तक हमारे 4-5 सेशन हो चुके हैं उनमें से आवाज कुछ क्लियर हुई है, अभी जल्दी से थम्स अप करके बता दो ताकि मुझे समझ आए यहाँ पर और मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं। जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हुई है आवाज आप लोगों के लिए, चले एक बार थम्स अप की जरूरत मुझे यहाँ पर ताकि मुझे क्लियर हो सके कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर आ रही है। हाँ, पहले से क्लियर हुई है और ओके बोल रहा है यहाँ पर बच्चों को। एक रितेश कुमार कहता है कि प्रॉब्लम में आवाज है, मतलब आवाज में प्रॉब्लम है। मैं आपको कहना चाहूंगा रितेश कुमार कि अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, अपनी वॉल्यूम को कम कर लो ताकि आप लोगों का ये कंटेंट जो है आप तक अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर की तरफ ध्यान देना, बच्चे आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, आपको समझ आना चाहिए मेरे व्यूज जो है वो थोड़े से बढ़ाने हैं और लाइक्स की तरफ आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, आज की चीज के लिए मैं लाइक नहीं बोलूंगा, अगर आज का सेशन पढ़ के, मैं पहले ही पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज का स्लो वॉइस आवाज कम आ रही है, ऐसा कैसे हो गया, आवाज तो प्रॉपर आ रही है आप लोगों को, आवाज तो प्रॉपर आ रही है यार, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो, आवाज कम नहीं कह सकता क्योंकि मैंने चेक करा है, अपने वॉइस को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो आप अपने आप ही लाइक का बटन ठोक देना ताकि मुझे पता लग जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो मैं बार बार ही नहीं कहूंगा। बात आती है लाइन क्या होता है, अगर आप हिंदी की बात कहो तो लाइन को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चूना, और ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, इस चूने को लाइन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, लाइन में एक ही चीज पहले ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीमेंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन। एक सिविल इंजीनियर की जबान आपके आगे आ चुकी है और आपको बोला जा रहा है सीमेंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन। पहले के जमाने में आप लोगों को पता है कि जितने भी आपके किले होते थे वो सारे के सारे स्टोन्स से बने होते थे, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल के जो आपके घर होते हैं वो सारे के सारे ब्रिक्स से बने होते हैं। आप हमेशा प्यारे दोस्तों अपने स्टोन के केस में लाइन यूज करते हो और अपने ब्रिक्स के केस में सीमेंट यूज करते हो, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मुझे ये बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है कि सीमेंट का काम क्या होता है, यार साउंड प्रॉब्लम आ रही है,
एक मिनट का सबर करेंगे। चले अब आ रही है आवाज आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों, अब आ रही है आवाज आप लोगों को, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज जल्दी से बताएंगे। ठीक है निरंजन। चलो अभी बात आती है यहां से प्यारे दोस्तों कि जो भी आप लोग अपनी ब्रिक्स के अंदर सीमेंट का यूज करते हो, सीमेंट करता क्या है, मैंने आप लोगों को कंक्रीट में ही पढ़ाया था, सीमेंट आपका बॉन्डिंग का काम करता है प्लस आप लोगों की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपका लाइम भी करता है। जब भी आप स्टोन्स की बात करते हैं, स्टोन्स में पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाले सेशन में, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा सेशन देख सकते हैं, उसमें आप लोगों का जो लाइम है वो सीमेंट का ही काम करता है। लाइम थोड़ा सा आप लोगों को महंगा पड़ जाता है लेकिन समय के साथ हमारे इंजीनियर्स ने डेवलपमेंट करी और सीमेंट को तैयार करा, ओवरऑल देखा जाए तो सीमेंट आप लोगों को थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सीमेंट थोड़ा सा आप लोगों को सस्ता पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज भी प्रेजेंट एरा में भी आप लोग स्टोन मैसनरी के केस में, स्टोन मैसनरी के केस में आज भी आप लोग लाइम मोर्टार का यूज करते हो, क्योंकि लाइम की जो पकड़ होती है वो थोड़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप आज भी लाइम मोर्टार का यूज करते हो। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि लाइम क्या है। लाइम मैंने आपको बताया कि लाइम कहलाता है एक चूना, और सीमेंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बंधुओं। जो भी मैं लिखवा रहा हूं प्लीज आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। चले अब मेरी बात आती है यहां से कि अभी लाइम की अगर मैं बात करता हूं तो लाइम आपका यूज कहां कहां पर होता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में आपका लाइम यूज होता है। जैसे कि सिंपल सी मैं बात करूं तो आप लोगों का फोर्ट्स में यूज होता है, आप लोगों का फाउंडेशन में जनरली लाइम नहीं लाइमस्टोन यूज कर लिया जाता है, तो लाइमस्टोन भी लाइम की कैटेगरी ही होती है, लाइम लाइमस्टोन से मिलता है, ठीक है। आप लोगों की व्हाइट वॉश में काम आता है लाइम, मैं कहूंगा व्हाइट वॉश में काम आता है। आप लोगों के प्लास्टरिंग में काम आता है लाइम, और मेरी बात को समझना, आप लोगों के of the glass, that is the important part, और ये मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ थोड़े दिनों में कि आप जब ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हो तो आप लोगों का लाइम काम आता है। आप लोगों का सलेज, सलेज स्टोर करने के लिए जो डिचेस आप लोग बनाते हो, डिचेस वो लाइम के बनते हैं। सलेज स्टोरेज डिचेस जो आप बनाते हो वो एक्चुअली में लाइम के बनते हैं, तो लाइम आपके बहुत सारे पर्पसेस में काम आता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस चीज का अभी बात आती है कि लाइम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण लाइम इतना ज्यादा यूजफुल होता है। हम लोगों ने सीमेंट को डेवलप कर लिया है लेकिन आज भी लाइम को यूज करते हैं क्योंकि लाइम की कुछ खास बात होती है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ये चीज पढ़नी है। क्या क्या होती है आप लोगों को वो साउंड नहीं आ रहा, चले अभी आ रहा है जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। अभी साउंड आ रहा है आप लोगों का, अभी साउंड आ रहा है आप लोगों का जल्दी से बताएंगे। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा हमें करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों। साउंड आ रहा है अभी आप लोगों के पास, चलो करते हैं इसी को करते हैं फिर और ज्यादा मॉडिफिकेशन देखते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो देखिए लाइम की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं कहूंगा आप लोगों के लिए लाइम में गुड एडहेरेंस पावर होती है। एडहेरेंस पावर क्या होता है कि ये बॉन्डिंग अच्छे से करके रखता है, ब्रैकेट के अंदर आप लिख लीजिए यहां पर बॉन्डिंग अच्छे से करके रखता है, पहली ये क्या है एडहेरेंस पावर है पहली। दूसरा होता है आपके लाइम की वर्केबिलिटी अच्छी खासी होती है इसलिए आप लाइम को यूज करते हो। तीसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्यारे दोस्तों, आपका लाइम जो है ये अर्ली स्टिफनिंग देता है। अर्ली स्टिफनिंग क्या होती है,
आपका लाइन जल्दी से सेट भी हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ को भी गेन कर लेता है, जिसको बोला जाता है हार्डनिंग पॉइंट। ठीक है, तो हार्ड क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ को भी गेन कर लेता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है। ये चीजें ना आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। उसके बाद भी अगर मैं बात करना चाहूं प्यारे दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए लाइन की एक स्ट्रेंथ पावर भी अच्छी होती है। स्ट्रेंथ इसकी कैसी होती है, गुड स्ट्रेंथ ये शो करता है। तो ये कुछ ना पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ यूज होता है, फोर्ट्स में, फाउंडेशंस में, व्हाइट वॉश में यूज होता है, सलेज स्टोर करने के लिए डिचेस बनाने में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है, और प्लास्टरिंग में यूज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके एग्जाम में आती है इसलिए बता रहा हूँ। गुड एडहेरेंस होती है, वर्केबिलिटी हाई होती है, स्टिफनिंग अच्छी शो कर देता है और जल्दी से स्ट्रेंथ भी दे देता है। ठीक है, चलो आगे मेरी बात आती है कि ये लाइम आपको मिलता कहाँ से है। एक ही सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, इस पिक्चर को बोला जाता है मेरे प्यारे बंधुओं लाइमस्टोन। ठीक है, इस पिक्चर को आप लोग क्या कहते हो, लाइमस्टोन। और लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, इस सेशन के अंदर ये बताने वाला हूं जो जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, बस सब्र रखते हुए रहना, सही में बहुत कुछ नया बताऊंगा। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन क्या होता है, मैंने कहा ये पत्थर आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैंने सुबह 8:30 बजे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बच्चों को पता नहीं है, मैं रोजाना सुबह 8:30 बजे और शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ बनता हूँ, तो मेरे साथ यहाँ पर बनने का प्रयास करा करो, लाइव में पढ़ने में मजा ही अलग आता है। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। दूसरा, आपके लाइमस्टोन को केमिकल फॉर्मूले में बोला जाता है CaCO3। ये क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है। मेरी बात को ना समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपने क्या करा, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। और अभी आप क्या करते हो, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा गर्म करते हो, बहुत ज्यादा गर्म करते हो, तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट में बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाता है। और जब बॉन्डिंग टूटता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका दो कंपाउंड्स देता है। एक होता है आपका CaO, इसको आप लोग कहते हो क्विक लाइम, इसको आप कहते हो क्विक लाइम। और ये क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक गैस है, और ये आपकी उड़ जाती है। ये क्या कहूंगा मैं, एस्केप, उड़ जाती है। ठीक है, अब एक और बात को समझने की कोशिश करना। अभी ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैंने, जो यहां पर CaO लिखा है, ये हर तरीके से प्योर है, आपको इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं दिख रही। मेरी बात को ना समझने की कोशिश करना, आपको इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं दिख रही, और ये इंप्योरिटी ना होने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहां पर ना ये प्योर लाइन होता है, और प्योर लाइन को ही मेरे प्यारे बंधुओं क्विक लाइन का नाम दिया गया है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि आप अपने कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छी तरह से हीट कर रहे हो। मेरी बात को क्लियर करना, मैंने कहा यहाँ पर आप अपने कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छी तरह से हीट कर रहे हो। इस हीट के प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, इस हीट के प्रोसेस को मेरे प्यारे बंधुओं आप कहते हो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके SSC JEE एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कैल्सिनेशन, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो आप लोग ना करते क्या हो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लाइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। कैटेगरी में कितनी कितनी है इसकी, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जा चुका है, SSC JEE के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखना। अपने लाइन को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो। यार साउंड प्रॉब्लम हो रही है यार, साउंड प्रॉब्लम का तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लॉकडाउन के चक्कर में माइक ही नहीं आ पा रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे साथ। 3 कैटेगरी कितनी है, 3 कैटेगरी में आप अपने लाइन को डिवाइड कर चुके हो, या फिर मैं इसको कहता हूं 3 क्लासेस में डिवाइड कर चुके हो। आप लोगों को यह चीज याद रखनी है, कौन कौन सी, एक होती है ए क्लास, एक होती है बी क्लास, और एक होती है सी क्लास। ठीक है, आप लोग ईयरफोन में पढ़ने की कोशिश करो, ईयरफोन में आवाज आ रही है, ईयरफोन से देखो एक बारी, सुनो, मतलब
साउंड प्रॉब्लम आ रही है। चलिए यहां से ऐसे कुछ करने की कोशिश करेंगे, अभी बताना। सी क्लास की अगर आप बात करते हो तो मैं कहूंगा सी क्लास आपका होता है प्योर लाइन, और बी क्लास जो होता है ये होता है आपका इम्प्योर लाइन, यानी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी। आज के लिए एडजस्ट कर लो श्रेया सिंह, आज के लिए एडजस्ट कर लो। ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, क्लास लंबी नहीं करूंगा, बस आज के लिए एडजस्ट करो, ठीक है। चलो, इम्प्योर लाइन विद लेसर इम्प्योरिटी, थोड़ी सी इम्प्योरिटी जिसमें होती है, ये आप लोगों का बी कैटेगरी में आता है, और ए कैटेगरी में मैं कहूंगा जिसमें हाई इम्प्योरिटी होती है उसको आप कहते हो सी, सॉरी ए क्लास। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एसएससी जेई के अंदर, एक्चुअली आईएएस में ये कैटेगरीज पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब मेरी बात को क्लियर करने की कोशिश करना। देखो, एक टर्म आती है दैट इज नोन टू बी एज द, एक टर्म आती है, या चलो आगे बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। अभी हम लोगों को क्लियर करना है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। नाउ मेरे प्यारे बंधुओं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन क्या होती है, हमने अपने लाइन को कितनी कैटेगरीज में, कितने टर्म्स में क्लासिफाई कर रखा है, मैंने अभी बताया तीन क्लासेस। कितनी है? तीन क्लासेस है एबीसी। मैंने आपको क्या कहा? तीन क्लासेस है एबीसी। ए क्लास को आप लोग कहते हो पुअर लाइन, बी क्लास को आप लोग कहते हो हाइड्रोलिक लाइन, और सी क्लास को मेरे प्यारे बंधुओं आप लोग कहते हो एकदम फैट लाइन, ठीक है। अब तीनों को ना एक एक करके हम लोगों को समझना है, मेरी बात को अब यहां पर क्लियर करेंगे कि एक नोट करके लिख लो, यहां पर नोट करके लिख लो, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर बात आती है प्यारे दोस्तों की ए क्लास जो होती है आप लोग कहां पर यूज करते हो। ए क्लास आप लोग अपने मैसनरी स्ट्रक्चर्स में यूज करते हो, बी क्लास आप लोग अपने प्लास्टरिंग वर्क में यूज करते हो, और सी क्लास आप लोग अपने व्हाइट वॉश में यूज करते हो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बता रहा हूं, आगे अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझ आएंगी। अभी मेरी बात को क्लियर करना प्यारे दोस्तों कि ए क्लास जो है, ए इज अवेलेबल इन स्लैग्ड फॉर्म, और बी और सी जो है is available in unslagged form. अभी ये slagged और unslagged form क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो आपकी slagged form होती है इसको आप लोग कहते हो liquid, और जो आपकी unslagged form होती है इसको आप लोग कहते हो powdered form, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि slagged form को बोला जाता है liquid, और यार ईयरफोन लगा लो प्लीज, आज के लिए ईयरफोन लगा लो आप, मैं आवाज का देखता हूँ। आज मैं कोशिश करी, मैंने हेडफोन लाया बट वो काम नहीं करा। अब धीरे धीरे कुछ कुछ करूंगा क्योंकि लॉकडाउन है तो मार्केट से माइक भी नहीं मिल रहा मेरे को, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे साथ, ठीक है। बट जो मैं नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज यूनिक, या आज से पहले आपने नहीं पढ़ी है क्लासेस के बारे में, आपको किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब के इतिहास में देख लेना किसी ने बताया हो तो। और ये जो बता रहा हूँ ये आपका नया पैटर्न है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। स्लेग्ड फॉर्म क्या होती है? लिक्विड फॉर्म। और अनस्लेग्ड फॉर्म क्या होती है? पाउडर्ड फॉर्म। यानी ए जो है, जो कि आप मैसनरी में यूज करते हो, और इसको मैंने कहा ये पुअर लाइम है, पुअर लाइम आपका लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, लेकिन आप हाइड्रोलिक और फैट की बात करते हो तो ये आपका पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप कभी खरीदने भी जाना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को क्लियर करना यहां से। अब बात आती है स्लेकिंग मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन द सीमेंट। अरे वाह, बड़ी होशियार बच्ची है। चलिए अभी बात आती है यहां से फैट लाइन क्या होता है। अब मेरी बात को क्लियर करना। देखो, फैट लाइन की अगर मैं बात करूं तो फैट लाइन क्या है? फैट लाइन इज अ काइंड ऑफ प्योर लाइन, और आई विल से दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिच लाइन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वाई इट इज कॉल्ड द रिच लाइन, उस बात को समझते हैं। आपके फैट लाइन के अंदर 95% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 5% आपकी इम्प्योरिटीज होती है। ये मेरे प्यारे बच्चों को पता है, मैंने नहीं बताया, पता है उनको, पहले पढ़ रखी है चीजें।
अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं इसी सेंटेंस के अंदर जो आपको नहीं पता, ये इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है, क्योंकि आईईएस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है यही, इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है जनरली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये जनरली क्ले की फॉर्म में होती है, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि 95% जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर 95% आप लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 5% आप लोगों का यहाँ पर क्ले होता है। आपको हमेशा याद रखना है इंप्योरिटीज आपकी क्ले की फॉर्म में होती है, ठीक है। अभी फैट लाइन को हम लोग फैट लाइन क्यों कहते हैं, इसको हम फैट लाइन का नाम क्यों देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कि व्हेन फैट लाइन मिक्सेस विद वाटर, जब हम लोग अपने फैट लाइन को पानी के साथ मिक्स करते हैं, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम, ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है बाय 2.5 टाइम्स, यानी 2 से 2.5 गुना अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं फैट लाइन, थोड़ा मोटा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ा लेता है, उसको कहते हैं फैट लाइन। अब मेरी बात को क्लियर करना, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं आप लोगों को यहाँ पर, कि आपका फैट लाइन जो होता है ये यूज कहाँ पर किया जाता है। मैंने एक ही बात बताई भैया, सी कैटेगरी में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, व्हाइट वॉशिंग में आप लोगों को ये यूज करना है। तो फैट लाइम आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, फैट लाइम आपका सी कैटेगरी में आता है और व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब फैट लाइम के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आज से पहले नहीं बताई गई, ठीक है, अब ये चीज लिख लेना, बड़ी काम की बात बताने वाला हूं। इसका पहला कलर कैसा होता है, आप लोगों का व्हाइट होता है। दूसरा, ये हार्ड स्लोली, यानी ये बहुत जल्दी हार्ड नहीं होता, धीरे धीरे हार्ड होता है। आपने पेंट करा, उसको 2 दिन लग जाते हैं सूखने में, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा गाढ़ा पेंट कर रहे हो 2 दिन लगते हैं, वरना आपके हाथों पर भी चिपक सकता है, ठीक है, इसलिए हार्ड ये स्लोली होता है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, इसके अंदर प्लास्टिसिटी अच्छी खासी है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। तो ये अभी इस चीज को समझ कर चलना, तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखवाया इंपॉर्टेंट है, और पहला जो पॉइंट लिखवाया वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी बात बोल रहा है यहाँ पर, जिस तरह लाइम स्लेक के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, उस तरह सीमेंट में कितना वॉल्यूम बढ़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट सीमेंट में ऐसा कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सीमेंट के अंदर आपकी बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती है। इंप्योरिटीज इन द सेंस, वहां पर आप लोग आयरन ऑक्साइड भी मिला देते हो, मैग्नीशिया भी मिला देते हो, 0.8% के आसपास आप मान के चलो। क्या बोला मैंने यहाँ पर, 0.8%, ये बहुत कम है, माइन्यूट है, इसलिए हम लोग कहते हैं कुछ नहीं बढ़ रहा, बढ़ता है जनरली लेकिन 0.8% के आसपास, बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं सीमेंट में जनरली इंक्रीज नहीं होता। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी लाइम और सीमेंट में यही फर्क होता है। चलो आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर, कि ये मैंने लिखवाया और आप लोगों को ये चीज समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज और, अगर मैं अपने प्योर लाइम को एयर में छोड़ देता हूं, इफ लेफ्ट इन एयर, इफ लेफ्ट इन एयर, तो होता क्या है, देखो ये आपका प्योर लाइम अपने आप एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, इसलिए आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अभी इसके बाद मेरा दूसरा लाइन आता है, दैट इज नोन टू बी एज द हाइड्रोलिक लाइन। अभी हाइड्रोलिक लाइन क्या है, कैटेगरी ऑफ द लाइन है, क्लास बी के अंदर पड़ता है, यूज कहां पर होता है, प्लास्टरिंग में यूज होता है, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, इन चीजों में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी बात आती है कि जब आपका एक प्योर लाइन है और उसके अंदर आप लोग 30% इम्प्योरिटीज मिला देते हो, तो आप लोग कहते हो कि आपका हाइड्रोलिक लाइन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। इस चीज को आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, 30%, एक्चुअली कितनी रहती है, 5 से 30%, ये ध्यान रखना है, 5 से 30% इम्प्योरिटी रहती है। इम्प्योरिटी क्या होता है, क्ले होता है। तो मैं जनरल आप लोगों को एक नोट करके लिखवाना चाहता हूं, बिकॉज आईईएस में पूछा गया 2010 है कि वो गहरा है, वहां पे क्वेश्चन पूछा, ये याद नहीं है कि ये जनरल अमाउंट ऑफ द क्ले कितना होता है। जनरल अमाउंट ऑफ क्ले
एंड हाइड्रोलिक लाइन, एचएल क्या है, हाइड्रोलिक लाइन कितना होता है, 15 से 20% हम लोग इसको रख कर चलते हैं, बाकी की इंप्योरिटीज अलग चली जाती है, सिलिका अमाउंट भी आपके लाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है। 15 से 20% हम उसमें क्ले रख कर चलते ही हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोलिक लाइन का। अभी हाइड्रोलिक लाइन आपको कलर कौन सा शो करता है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आपका हाइड्रोलिक लाइन जो है ये येलो कलर का फॉर्मेशन देता है, बहुत काम की बात है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ मेजर पोर्शन पर, क्या है भैया आपका मेजर पोर्शन, क्ले और एलुमिना सेम है क्या? देखिए क्ले और एलुमिना सेम नहीं कहूंगा, क्ले के अंदर एलुमिना मिलता है, मेरी बात को समझना, क्ले एक्चुअली में बनी होती है एलुमिना की, क्ले इज मेड अप ऑफ एलुमिना। एलुमिना क्या होता है, एलुमिना एंड सिलिका, आपकी क्ले के अंदर जनरली एलुमिना और सिलिका मिलता है, Al2O3 और SiO2, तो इन तीनों चीजों से आपका क्ले मिलता है, ठीक है। तो अभी Al2O3 तो एक पार्ट है, समझ रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को, एक साधु है जग्गी वसुदेव, सदगुरु के नाम से दुनिया जानती है, एक बार मैं उनका भाषण सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात है सुनना, एक बंदे ने पूछा उनसे कि एक्चुअली में हमें बुद्धा और महादेव दोनों ने मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बता रखे हैं, तो दोनों में से बेटर कौन है? तो भैया उनका आंसर देने का जो तरीका है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जरा सुनना मेरी बात को यहाँ पर गौर से। उन्होंने कहा कि यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग बुद्धा एंड महादेव एंड दैट इज द स्टूपिड क्वेश्चन, उनके ये शब्द थे कि ये क्वेश्चन ही बड़ा बेकार का है, महादेव इज काइंड ऑफ ओशियन एंड बुद्धा इज अ पार्ट ऑफ ओशियन, यू कैन से दैट बुद्धा इज अ काइंड ऑफ रिवर। वो बंदा देखता रह गया, क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों महादेव ने एक्चुअली 108 तरीके बताए मोक्ष प्राप्ति के, अभी कोई विश्वास करता है कोई नहीं, और बुद्धा ने उनमें से एक फॉलो करा, तो वही चीज यहाँ पर है कि क्ले जो है वो महादेव है और एलुमिना जो है वो एक तरह का बुद्धा है, तो इस चीज को समझकर आप लोग चलना, अभी हंसना मत यार, वो मतलब एग्जाम्पल है तो क्लियर करना है ना। जनरल अमाउंट ऑफ क्ले पता लगा, क्ले एलुमिना का बना होता है ये भी पता लगा, कलर क्या होता है येलो। अब आ जाओ मेजर पोर्शन जो कि आपने कभी सुना भी नहीं है, हाइड्रोलिक लाइम, सुनना मेरी बात को, हाइड्रोलिक लाइम आपके तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के हाइड्रोलिक लाइम होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका फीबली हाइड्रोलिक लाइम, फीबल हाइड्रोलिक लाइम, दूसरा होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम, या फिर उसको आप हाँ एमिनेंट का ही नाम दे लेते हैं, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा आप लोगों का यहां पर होता है एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइन। मैं कहना चाहता हूं कि देखो इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, अगर आप लोग आईपीएस या पीएसयू की तरफ जाते हैं, एसएससी जेई आप लोगों का ये चीज नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप एई की तैयारी करते हो तो आप लोगों से ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी क्ले कंटेंट कितना कितना होता है, इसके अंदर आपका क्ले कंटेंट 5 से 10% रहता है, इसके अंदर आपका क्ले कंटेंट 11 से 20% रहता है, और इसके अंदर आपका क्ले कंटेंट 21 से 30% तक रहता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये स्लेक यार, मैं एक्चुअली मैं स्लेकिंग बाद में लाया हूं, पहले मैं स्लेक स्लेक आपको लिख तो रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ स्लेकिंग क्या होता है। जब आप लोग पानी के साथ चूने को मिलाते हो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्लेकिंग, समझ रहे हो, जब पानी के साथ चूने को मिलाते हो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्लेकिंग। तो इसकी स्लेकिंग जो है फीबल हाइड्रोलिक लाइन की, वो कब होती है, बहुत जल्दी यानी फ्यू मिनट्स में आपकी स्लेकिंग हो जाती है, इसकी स्लेकिंग के लिए 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, और इसकी स्लेकिंग के लिए आपको 1 दिन लग जाता है, ठीक है। अभी तीसरी चीज आपकी यहां पर आती है सेटिंग, सेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो फीबल हाइड्रोलिक लाइन आपका लगभग लगभग 3 वीक्स में सेट होता है, 3 वीक्स इन वॉटर, अगर आप वॉटर में इसको सेट करते हो 3 हफ्ते लग जाते हैं, इसमें आपका 1 हफ्ता लगता है वॉटर में अगर सेट करते हो आप लोग इसको, और इसमें आपका 1 दिन लगता है, 1 दिन में ये पानी में सेट हो जाता है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, लगा चुका हूं मैं वैसे आप लोगों के लिए, क्योंकि पीएसयू के लिए बहुत बच्चे ट्राई करते हैं तो वो चीज पूछ सकता है। चौथी चीज आती है इनके यूज की, ये कहां पर यूज होता है, मैं कहूंगा ऑर्डिनरी मैसनरी वर्क, जो आप लोगों का ऑर्डिनरी मैसनरी वर्क है यानी हल्का फुल्का जो आपका काम होता है, कौन सी मैसनरी, स्टोन, लाइम,
कहीं पर भी यूज करो, स्टोन्स में यूज करना, वैसे आजकल लाइम यूज नहीं होता, स्टोन्स में यूज होता है, ठीक है। और जो सुपीरियर क्वालिटी के लिए वर्क होता है, सुपीरियर मैसनरी वर्क के लिए आप लोग अपने मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हो। और अभी मेरी बात आती है यहां से सुपीरियर मैसनरी वर्क की बात करी, अभी मेरी बात आती है अगर आप लोगों को डैम्प प्लेसेस पर कहीं पर काम करना है तो डैम्प प्लेसेस पर एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर आपका एक ही दिन में सूख जाता है, और जो पानी के अंदर एक दिन में सूख रहा है तो जाहिर सी बात है भैया जो जल्दी सूख रहा है उसको यूज करूंगा, इसीलिए आपका एमिनेंट प्लेस एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइन जो है वो आप लोगों का डैम्प प्लेसेस पर यूज करा जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, बड़ा प्यारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है भैया, ये नहीं पता, ये पता ही नहीं आप लोगों को, इंजीनियरिंग के साथ जीएस भी क्लियर। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज क्लियर करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे की मेरी बात आती है भैया, यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द पुअर लाइन। अभी पुअर लाइन क्या होता है वो चीज समझ कर चलना है यहां से। पुअर लाइन क्या, जिसके अंदर आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ग्रेटर देन 30% इम्प्योरिटीज, ग्रेटर देन 30% जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, वो आप लोगों का पुअर लाइन कहलाता है, बढ़िया लाइन नहीं है। अच्छा कहां पर यूज करते हैं, जनरली हम लोग इसको कंक्रीटिंग वर्क में यूज करते हैं, मैंने आपको बताया ना वो कंक्रीटिंग और मोटार प्रिपेरेशन, मोटार की प्रिपेरेशन में हम लोग कौन सा लाइन यूज करते हैं, पुअर लाइन। कौन सी कैटेगरी में आता है ये, मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे, पुअर लाइन कौन सी कैटेगरी में आता है, ए बी या सी। देखो पीपीटी सेंड नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, पीपीटी ऐसे सेंड नहीं हो सकती है, अभी पीपीटी पढ़ाने के लिए है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, पीपीटी ऐसे सेंड नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अभी जल्दी से मेरे को बताएंगे प्यारे दोस्तों, निरंजन कुमार गुप्ता इस क्वेश्चन का पहला आंसर करने वाले देवदूत हमारे साथ बने हैं यहाँ पर। कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ए कैटेगरी है, पुअर लाइन पता लगा। अच्छा पुअर लाइन की मैं खास बात कुछ कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, पहला कलर, दूसरा प्यारे दोस्तों ये हार्ड होता है, हार्ड एंड स्लोली इन वाटर, अगर आप वाटर के अंदर इसको यूज करते हो तो ये स्लोली हार्ड होता है, वैसे जनरली ये हार्ड हो जाता है। तीसरी चीज, डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है, अभी यही इसकी खास बात है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाता हूं जो आपके काम आ सकते हैं, यहां पर लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि बेस्ट क्वालिटी हम वाइट वॉशिंग किससे करते हैं, ये मैं लिखवा चुका हूं, कुछ आप लोगों के लिए याद रखना है, वाइट वॉश किससे करते हैं, प्लास्टर किससे करते हैं, और आपका मोर्टार प्रिपेयर किससे होता है। मैं कहना चाहूंगा वाइट वॉश आप लोग अपने फैट लाइन से करते हो, प्लास्टर आप लोग अपने हाइड्रोलिक लाइम से करते हो, और मोर्टार आप लोग अपने पुअर लाइम से करते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आप लोगों को लाइम मोर्टार प्रिपेयर करना है, आप लोग इस चीज को याद रखना, ये आपका दूसरा पॉइंट है। एंड लाइम मोर्टार आप लोगों का जनरली प्यारे दोस्तों कितना रेशियो होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए, दैट इज लाइम एंड दैट इज सैंड, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आ जाओ आप लोग, इसका इनिशियल या फिर फाइनल सेटिंग टाइम कितना आप लोगों को ध्यान रखना है, इनिशियल सेटिंग टाइम इसका होता है 100 से 120 मिनट के बीच में, यानी लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास, और फाइनल सेटिंग टाइम अगर मैं करना चाहता हूं तो 16 घंटे से लेकर 48 घंटे तक इसका फाइनल सेटिंग टाइम वेरी करता है। जनरली अगर आप देखना चाहो तो जनरली टाइम कितना रखते हैं, 20 घंटे में ये अपना फाइनली सेट होने की कोशिश करता है। कैटेगरीज तो 6 टाइप की है, नहीं लाइन की कैटेगरी 3 टाइप की है, 6 एक्चुअली में नहीं होता, मैं आपको बताऊं 6 कैटेगरी में क्या होता है, एबीसी, पुअर फैट और हाइड्रोलिक, ठीक है, ये 6 कैटेगरी अलग से तोड़ी जाती है, बट एक्चुअल में 3 ही है, और इन 3 कैटेगरी के बेसिस पर हम लोग फैट, पुअर और हाइड्रोलिक लाते हैं, इसलिए मैंने 3 ही आप लोगों को करवाई और 3 से ही आगे की चीजें निकल कर आई, ठीक है। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो क्लियर हुआ सब कुछ आप लोगों को, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है अभी रिजॉल्व करेंगे, लाइक्स की तरफ ध्यान देना, जल्दी थम्स अप करके बताओ, जल्दी थम्स अप करके बताओ आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को पढ़ के ये चीजें जो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्तों। चले जितेंद्र को समझ आया है, बाकी लोगों को समझ नहीं आया शायद से,
चलो आ गया, शिवानी को समझ आ गया, गुज्जू को समझ आ गया, निरंजन को समझ आ गया। हो सके तो स्टेटस पर लगा लेना यार, स्टेटस पर लगाने से काफी बच्चों को पता लगता है, स्टेटस पे आप लोग इसको लगा सकते हैं। चलो अभी सबको बता देना कि हम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, पुराने चैनल पर नहीं जाते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं। स्लेकिंग क्या होता है? स्लेकिंग इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वाटर इन, एडिशन ऑफ वाटर इन लाइन। अच्छा मेरी बात को समझने की कोशिश करना है यहां से प्यारे दोस्तों। आप लोग जब अपने लाइन के अंदर पानी को ऐड करते हो तो आपका क्या फॉर्म होता है यहां से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आप जब अपने लाइन के अंदर ऐड करते हो पानी को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस फॉर्म होता है, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? स्लेकिंग हो रही है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सफेदी सबके घर में होती है, और सफेदी पहले के जमाने में तो यार डिस्टेंपर होता था, और हम लोग तो सिविल इंजीनियर हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, तो हम आज भी कई बार डिस्टेंपर करा लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंपर करने के दौरान ना आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप उस पेंटर के पास, सफेदी वाले के पास खड़े हुए हो, वो क्या करता था, डिस्टेंपर की बाल्टी खोलता था और चूने में पानी मिलाता था। तो होता क्या था प्यारे दोस्तों, जैसे चूने में पानी मिलाता था, बड़ी गर्मी के साथ वहां पे उबलता हुआ सा कुछ नजर आता था, और धुआं धुआं सा गरम गरम कुछ निकलता था। हाँ आप लोगों ने देखा होगा जनरली। तो वो होता क्या था, जब वो चूने में पानी मिलाता था तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता था, और वहां से एक हीट निकलती थी, ठीक है। हीट क्या होती थी, वहां से इवॉल्व होती थी, और इवॉल्व होने का मतलब ही एक्चुअली में होता है प्यारे दोस्तों, ये एक्चुअली आपके एसएससी का क्वेश्चन है कि ये जो स्लेकिंग होती है ये कौन सी रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नोन टू बी एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। आगे की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, यहाँ से स्लेकिंग की बात करी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने तीन लाइन पढ़ी है, कौन कौन से? एक पढ़ा है हम लोगों ने फैट लाइन, एक पढ़ा है हाइड्रोलिक लाइन, और एक पढ़ा है पुअर लाइन। अगर आप स्लेकिंग की बात करते हैं, स्लेकिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे जल्दी फैट लाइन में होता है, उसके बाद हाइड्रोलिक, और उसके बाद पुअर लाइन में स्लेकिंग प्रोसेस आपका होता है। एक नोट करके आप लोग लिखना कि स्लेकिंग प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। क्या बोल गया मैं यहां पर, जरा मेरी बातों पर और मेरे शब्दों पर, और मैं जो जो चीजें आपको लिखवा रहा हूँ ये किताबों में नहीं है, ये किताब में नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिखवा दिया। तीन तरह के आपके लाइन हैं, और अगर आप पार्टिकल साइज की बात करते हो ना, ये आपके किसी किताब में नहीं है दुनिया की, ये सिर्फ मैं ही लिखवा रहा हूँ और पहली बार लिखवा रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज को कि पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा आपका पुअर लाइन का होता है, उसके बाद हाइड्रोलिक लाइन का होता है, और उसके बाद फैट लाइन का होता है। इस चीज पर आप लोग दुविधा में ना फंसो, मैंने ऐसा क्यों सोचा जरा वो सुनने की कोशिश करना कि पुअर लाइन कंक्रीटिंग में यूज होता है और फैट लाइन व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अगर मैं कंक्रीटिंग वाले मटेरियल को अपने व्हाइट वॉशिंग में यूज कर लेता हूं तो नहीं कर पा रहा, जब भी तो नहीं करता, तो क्या डिफरेंस है? कंक्रीटिंग में अगर कोई मटेरियल यूज होता है तो वो बड़ा पार्टिकल शो करता है, हाइड्रोलिक लाइन उससे छोटा पार्टिकल मोटार बनाने में काम आता है, और उससे छोटा पार्टिकल मोटार की वजह से करा हुआ प्लास्टर और प्लास्टर के ऊपर लगाने में काम आता है। मेरी बात को समझना, मैंने कहा पुअर लाइन कंक्रीटिंग में यूज हुआ, मेरे इस कथन को एक नई चीज है, आप लोग इसको ना पब्लिश कर सकते हो, आप लोगों को बता रहा हूँ, पेपर है, आज तक किसी ने नहीं बताया भैया, और मैं 100% श्योर हूँ ये सही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पब्लिश करूं, आप लोग कर सकते हो करना चाहो तो, प्रोसीजर के लिए मैं कभी वीडियो बनाऊंगा अलग से। कंक्रीटिंग की मैं बात करूं तो लार्ज पार्टिकल है, हाँ, और कंक्रीटिंग से क्या बनाते हो भैया? वॉल बनाते हो। और मैंने कहा यहां पर हाइड्रोलिक लाइन से आप प्लास्टर कर रहे हो ऑन द वॉल, मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, और फैट लाइन से आप लोग व्हाइट वॉश कर रहे हो ऑन प्लास्टर। अरे सबसे पहले क्या करा आप लोगों ने, सबसे पहले अपनी दीवार बनाई, उसके ऊपर आपने प्लास्टर करा और उसके ऊपर आपने व्हाइट वॉश करा। ये क्या है? वॉल है। ये क्या है? प्लास्टर है। और ये क्या है आप लोगों का? व्हाइट वॉश। समझ में आया? उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर। अरे सबसे बड़ा पार्टिकल सबसे नीचे आता है भैया, उसके ऊपर छोटे पार्टिकल आते हैं ताकि चीजें भर जाए, वॉइड्स भर जाए, यही चीज है। सॉइल मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगाया, और ये चीज किसी किताब में नहीं है, लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे की बात समझ कर चलते हैं यहां से। स्लेकिंग समझ आया, स्लेकिंग के केस में ये चीजें समझ आई क्या होती है, स्लेकिंग ब्लेकिंग यही सब होता है।
आगे की बात को अगर आप ध्यान रखते हो प्यारे दोस्तों, तो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आपके लाइन का यूज क्या होता है, वो मैं बता चुका हूँ, छोटी सी बात और दोबारा से बता देता हूँ, याद कर लो। अच्छा आप लोग बताओ लाइन का यूज कहाँ कहाँ होता है, जल्दी से बताते रहो और वो चीज मैं लिखता रहूंगा। मेरे पास लाइन का यूज नहीं आया है यहाँ पर, और देखो यार मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए ना तो लाइक का बटन ठोक के जाना, ठीक है, और औरों को भी कहना जरूर देखो ऐसी नॉलेज नहीं मिली, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे लाइक चाहिएगा, बस व्यूज चाहिए मुझे अपनी वीडियो पे, और व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मेरी बात को ना समझने की कोशिश करो, ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे ना तो वी आर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड वी हैव टू इंक्रीज आवर स्टेटस। अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हम लोगों को स्टेटस इंक्रीज करना पड़ता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड टू एक्चुअली क्लोज द फ्री यूट्यूब क्लासेस, सो थिंक अबाउट दैट। चलें जल्दी से, बोला गया बाइंडिंग मटेरियल, व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग फाउंडेशन, क्या बोला गया, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर यूज होता है। दूसरा बोला गया व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। तीसरा बोला गया प्लास्टरिंग में काम आता है। चौथा बोला गया फाउंडेशन में काम आता है। फाउंडेशन में लाइमस्टोन काम आता है ना कि लाइम, ठीक है, फाउंडेशन में लाइमस्टोन काम आता है। पांचवा आप लोगों के आगे अभी दिखा नहीं भैया, पांचवा नहीं आया मेरे आगे, जल्दी से बताएंगे। मोटार, अरे आप जबरदस्ती के नहीं बोल रहे, ठीक है। डिचेस, डिचेस बनाने में काम आता है। डिचेस क्या होती है आप लोगों की, सलेज स्टोरेज पावर रखती है, सलेज स्टोर करने के लिए एक रिजर्वॉयर होता है, तो सलेज स्टोरेज है। अच्छा छठा बोलो जल्दी से, डिस्टेंपर कलर, लाइम डिस्टेंपर कलर नहीं, लाइम डिस्टेंपर कलर नहीं होता, लाइम डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है, लिखवा देता हूं अभी आप लोगों को। अब सुन लो, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, एक बच्चे ने अच्छा बताया, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास और कहां काम आता, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, क्वेश्चन आपका आएगा पक्का, कभी तो आएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। सातवा बताओ जल्दी से और बताते रहो भैया, नहीं पता तो चलो सुनते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन में आपका ये काम आता है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। चलो रिटेनिंग वॉल में लाइम, अब तो कह दो बीम कॉलम फ्लोर सब में काम आता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये चीज क्लियर करना, ठीक है। चलो आगे की बात को क्लियर करते हैं प्यारे दोस्तों, अभी कुछ कह रहा था मैं आप लोगों को लिखवाने के लिए, दिमाग से निकल गई वो चीज। चलो आगे की बात आती है तो बताएंगे, अभी ये चीज समझ आई आप लोगों को, अब आप लोगों को सैंड की तरफ लेकर आऊंगा, और सैंड के बारे में भी ज्यादा नहीं लेकिन खास बात बताऊंगा आप लोगों के बड़े काम आएगी। सैंड क्या होती है, मेरे देश की मिट्टी, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गाना बड़ा प्यारा है और अक्सर मैं वो चीज सुनता हूँ और सुन के मेरे अंदर जोश आता है, ठीक है, और जोश आप लोगों के अंदर भी आना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र बताना चाहता हूँ, जोश विद होश, ये फॉलो कर लेना यार, जोश विद होश और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर जाओगे। जोश विद होश, कभी जोश कम नहीं होना चाहिए और होश भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, सैंड क्या होती है, मिट्टी, पिक्चर में आप लोगों को दिख रही है। अच्छा सैंड कहाँ पर काम आती है, यूज की बात करता हूँ डायरेक्ट, सैंड कहाँ पर काम आती है, सैंड जनरली प्यारे दोस्तों आप लोगों के मोटार बनाने में काम आती है। आप लोगों ने फिल्टर बैग्स पढ़े हैं क्या, अरे क्या होता है ये फिल्टर बैग्स, तीन तरह के फिल्टर होते हैं आप लोगों के, स्लो सैंड फिल्टर एक होता है, रैपिड सैंड फिल्टर और एक होता है प्रेशर फिल्टर, उनके बेड्स में काम आती है, ठीक है। आप लोगों की सैंड और कहां काम आती है जल्दी से बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट खास पॉइंट आपके लिए लाया हूं, जल्दी से बताओ सैंड कहां पर काम आती है। बाइंडिंग में कभी काम नहीं आती, मोटार में मैंने लिखवा दिया, जल्दी से मुझे बताएंगे सैंड कहां पर काम आती है। बड़ा प्यारा पॉइंट बताने वाला हूं, बड़ा प्यारा पॉइंट बताने वाला हूं आप लोगों को, बहुत काम में आने वाला है। मोटार लिखवा दिया, अभी कंक्रीट भी मत बोलना, कंक्रीट भी मत बोलना, लिखना है तो चलो लिख दिया, कंक्रीटिंग में काम आती है। एक और पॉइंट बताओ बड़ा प्यारा, आंसर नहीं आ रहा मेरे पास इस पॉइंट का, और इस पॉइंट के आंसर का इंतजार कर रहा हूं, बड़ा प्यारा पॉइंट है मैंने बता रखा है, अभी बताऊंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। फायर रेजिस्टिव, अब जबरदस्ती के पॉइंट नहीं बताने, फायर रेजिस्टिव तो है लेकिन आपको पता है आप सैंड के घर में अगर आग लगाओगे ना तो एक घंटे में घर बर्बाद हो जाएगा आपका, तो फायर रेजिस्टिव नहीं कहेंगे। फिलर मटेरियल हो चुका, मोटार में फिलर मटेरियल के काम पर लेते हैं इसको हम, अभी फिल्टर बेड में फिलर मटेरियल के काम पर ले रहे हैं। अब सुनना इसका एक यूज, एक यूज, दो यूज, तीन यूज, चौथा यूज आपको बताऊं, सैंड बैग्स के बारे में सुना है आपने, अरे कुछ नहीं, सीमेंट के बैग होते हैं उनको सैंड में भर दो, सैंड बैग बन गए। ये कहां पर काम आते हैं, वाटर रिटेनिंग के लिए काम आते हैं। आपने देखा होगा
कई बारी नाले के किनारे या नदी के किनारे सैंड के कट्टे रखे जाते हैं, पिक्चर लाना भूल गया क्योंकि मेरे दिमाग में अभी अभी ये पॉइंट आया है पढ़ाते पढ़ाते। तो सैंड के कट्टे रखे जाते हैं और सैंड के कट्टों के इस साइड पानी होता है और मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि सैंड बैग कहाँ पर काम आते हैं, वाटर रिटेनिंग में काम आते हैं। बड़ा प्यारी चीज है, आप लोगों को ये चीज मेरे प्यारे बंधुओं याद रखनी है, ठीक है। आगे की मेरी बात करूं, एक मेजर पॉइंट नोट करके लिखना, आपके SSC JEE से रिलेटेड पॉइंट है, सॉइल मैकेनिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सैंड मेजरली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। सैंड में जनरली क्या होता है, सैंड में जनरली आप लोगों का सिलिका होता है। नाउ मेरे प्यारे बंधुओं, अब इस चीज को याद रखना, मैं सैंड की क्लासिफिकेशन कराने वाला हूं यहां पर। कॉपी खोल के बैठ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड तीन तरह से क्लासिफाई करी गई है। पहला होता है, यहां पर तीन तरह से क्लासिफाई होती है, एक होती है फाइन सैंड, एक होती है आप लोगों की कोर्स सैंड, और एक होती है आप लोगों की ग्रेवर सैंड। वैसे फर्दर तीन होती है लेकिन वो मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं। और तीन होती है कौन कौन सी, एक होती है आप लोगों की पिट सैंड। छह तरह से क्लासिफाई होती है, पिट सैंड, रिवर सैंड और ओशियन या फिर सी सैंड। छह तरह से क्लासिफाई होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीन मैं आज डिस्कस करूंगा और तीन मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि इन तीनों की मेरे पास पिक्चर नहीं है। आई नीड टू एक्चुअली एक्सप्लेन दीज थ्री कैटेगरीज, पिट, रिवर और सी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, तो ये कल डिस्कस करता हूँ। आज इसके बारे में बताता हूँ फाइन सैंड क्या होती है। फाइन सैंड की अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो फाइन सैंड आपकी कितने साइज से छोटी होनी चाहिए, 1 पॉइंट, या फिर ऐसा लिख लेता हूं पासिस थ्रू, आप लोग इसको समझ जाओगे, पासिस थ्रू 1.5785 mm सीव। इस सीव से जो सैंड पास कर जाए उस सैंड को आप कहते हो फाइन सैंड, और जो सैंड आपकी पासिस थ्रू 3.78 mm सीव उसको आप कहते हो कोर्स सैंड, और ग्रेवरली सैंड आपका होता है पासिस थ्रू 7.1 कुछ कह लो आप इसको, या फिर 7.5 तो नहीं, 7.6 कह लो, 7.6 mm सीव से जो सैंड पास कर जाए उसको आप लोग कहते हो ग्रेवरली सैंड, ठीक है। अभी इस बात को समझने की कोशिश करना, जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि फाइन सैंड का आप यूज कहाँ पर करते हो। यूज की अगर मैं बात करूँ तो फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवरली सैंड। मेरे पढ़ाने में आप लोगों को जनरली मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ना यहाँ पर रटवाऊं नहीं, मैं रीजन बताता हूँ कई बारी और क्यों वो चीज इस बेसिस पर रखी गई वो भी बताता हूँ। अब आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, कि आप लोग प्लीज मेरे को ये बता दो कि ये फाइन सैंड यूज कहां पर करेंगे, फाइन सैंड कहां पर यूज करते हैं जनरली, आप लोग मेरे को बता दो। चलिए जल्दी से मेरे को बताएंगे प्यारे दोस्तों। हाँ, रंजन कुमार पहला आंसर देने वाले, फाइन सैंड आप लोग प्लास्टरिंग वर्क में यूज करते हो, कोर्स सैंड कहां पर यूज करोगे, कोर्स सैंड कहां पर यूज करोगे जल्दी से बताएंगे बंधुओं, कोर्स सैंड आप लोग मोटार प्रिपरेशन में यूज करते हो, और ग्रेवरली सैंड आप लोग कंक्रीट प्रिपरेशन में यूज करते हो, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अभी यहां पर बात आती है कि व्हाई वी यूज द सैंड, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी यूज द सैंड, ये चलो मैं लास्ट में लिखवा देता हूँ, ये चीज समझ आई। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंड, भाई सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, SSC के लिए कोई खास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना। पहला तो आप लोगों की सैंड कैसी होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट, किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है आपकी सैंड कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट फ्री होना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों घास या फिर ग्रास, प्लांट्स, पूरी सिविल इंजीनियरिंग में कहीं भी आए ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब होता है ग्रास और प्लांट्स, तो ऑर्गेनिक कंटेंट फ्री होना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आपकी सैंड सॉल्ट फ्री होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सॉल्ट जनरली एब्जॉर्ब, ये चीज लिख लो, बिकॉज आपके बहुत जगह काम आती है ये बात, ये लिख लो, सॉल्ट जनरली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर,
अगर आपका सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो बड़ी घातक हो सकती है। क्यों, ये आपको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी जो सॉइल है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपकी सैड डैम्पिंग वहां पर रहेगी और आपकी रिइंफोर्समेंट या फिर आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, चौथी चीज आप लोगों की यहां पर आती है प्यारे दोस्तों, आपकी सैंड के अंदर शार्प एंगुलर ग्रेन्स होने चाहिए। क्यों, गुड बॉन्डिंग, ये शार्प एंगुलर ग्रेन्स आपकी जनरली बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, सैंड हम कहां पर, सैंड इज जनरली यूज्ड एज फिलर मटेरियल। सैंड कहां पर यूज करते हो, फिलर मटेरियल के तौर पर आप अपनी सैंड को यूज करते हो, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अभी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों, ये चीज क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। सेशन अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। बाय द वे ये चीज आपको क्लियर करनी है, बाकी की सैंड के बारे में नॉलेज कल देता हूँ। मैंने कहा था यूज सैंड का यूज कहाँ पर होता है, मोर्टार में क्या फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो कल बताता हूँ इसके बारे में। बाकी मोर्टार और सैंड अभी और पढ़ाना है मुझे, तो कल सुबेरे 8:30 बजे आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बनूंगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मैं रोज 8:30 बजे और शाम को 5 बजे क्लास लेता हूँ। सभी बच्चों को बता दीजिए, हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को आती रहेगी। यहाँ पर नॉन टेक्निकल क्लासेस भी चलती हैं, टेक्निकल क्लासेस भी चलती हैं, चैनल अच्छा है। और एक चीज मैं आपको बताऊँ अकेडमी के बारे में, मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने बहुत चैनल्स पे गया हूँ, मेरा फेमस है इस चीज में नाम कि यार ये बंदा एक जगह टिकता ही नहीं। अरे क्यों टिकूं भाई, एक चीज का याद रखना, महापुरुष साधु इतिहास गवाह है, एक जगह कहीं नहीं रुकते, और जो एक जगह रुक गया उसकी तरक्की भी रुक गई, ये चीज का याद रखना। तो आप लोग भी जीवन में इस चीज को फॉलो कर लो, एक जगह कभी मत रुकना, जिसकी जितनी जहां लिखी है ये तो फैक्ट है वो उतना वही रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से कभी कोशिश मत करना कि तुम एक जगह थम जाओ, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी की टॉन्ट, समझ रहे हो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरा ये प्रोसीजर है और मैं इसको फॉलो करूंगा। बहुत बच्चे मुझसे चिढ़ते हैं इस चक्कर में, ठीक है, तो यार चिढ़ो मत, आपको पढ़ाने की मेरी कोशिश रहती है। और एक बच्चे ने आज मेरे को कहा था कि बिल्डिंग मटेरियल आपने 3 बार ही पढ़ा लिया। अब मैं एक बात उस बच्चे को कहना चाहता हूं कि जरा तीनों लेक्चर देखियो, पहले में अगर इतना पढ़ाया है ना तो दूसरे में इतना पढ़ाया है, और अनअकैडमी में जो आप पढ़ा रहा हूँ वो इतना है, तो स्टेप वाइज ना मैं भी इंक्रीज होता रहता हूँ। ठीक है, और मैं ही नहीं इंक्रीज होता, आप लोगों के एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता है। तो मैं जहां भी पढ़ाता हूँ वहां पर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं किसी भी चैनल पर जाऊं, आप लोगों को पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा इन बातों में कुछ नहीं रखा। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक बार ही जाना, वहां पे लिंक है। और जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, मैं पेड कोर्स भी पढ़ाता हूँ, कल से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट के लिए खास बात रहती है लाइव क्लास में डाउट क्लियरेशन, टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है, तो आप लोग कोर्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, आप लोगों को सब्सक्राइब करके वो लिंक होगा, देख लेना जिसको लेना हो। और मैं बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, जब भी कोर्स लो इस कोड को जरूर डालना, वरना मेरे तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, तो मेरे टेस्ट और मेरे क्वेश्चन आप लोगों को फ्री मिल सकते हैं अगर आप इस कोड को यूज करते हैं, प्लस 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। कई बच्चे कहते हैं 10% डिस्काउंट दूसरे में भी मिलता है, नहीं, एनजी लाइव में खास क्या है, खाली डिस्काउंट ही नहीं है, टेस्ट और क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस आप लोग जो मुझसे डाउट्स पूछते हो वो डाउट्स आप लोगों को स्पेशल मिल जाते हैं अगर आप इस कोड को यूज करते हो। तो आप कोड का ध्यान रखना, एनजी लाइव है। चलते हैं बाय द वे, और यार गुस्सा मत हुआ करो, चैनल चेंज कराए, पढ़ाना थोड़ी छोड़ा है, पढ़ते रहो ना, वहां भी पढ़ाता था यहाँ भी पढ़ाता हूँ, और हर चीज का सॉल्यूशन होता है, आप लोगों की जो भी दुविधा है ना मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए बैठा हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ो बस आप लोग। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत, हमेशा हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को कुछ इस तरह से सोचा करो कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, समझ रहे हो, जिस दिन ये भावना आपके मन में आ गई कि नेगेटिविटी आपका दुश्मन है, आपकी जिंदगी से जो ये कलेश और ये जो दिमाग का ठहरना गुस्सा ये सब नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो सोच के चलना, पॉजिटिविटी को साथ में रखना है और उसी के साथ जीवन को व्यतीत करना है। जैन, आप सभी का मेरे साथ यहां पर बनने के लिए शुक्रिया, बाय।